हरि हंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। को स्वरूप जाने लागते बड़ी जो भक्ति काय को नमाए स्तुति को उचारी है। धन धन जिन हित काज सब आज भई कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दारी है। अनेक जगहों पर घूमते फिरते हुए वापस यहाँ आ गए। तीन जगह के कार्यक्रम हुए, उनमें ग्वालियर में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में मुख्य प्रवचनकार के रूप में वहाँ रोजाना प्रवचन हुए। छः दिन में 8 प्रवचन हुए वहाँ, 5 कल्याणक उनके ऊपर भी। आहार दान पर भी विशेष प्रवचन हुआ। खैर ये सब चलती रहती है स्थिति। यहाँ जीवंदर कुमार की परिस्थितियाँ फिर बदल गई। कितने उतार चढ़ाव जीवन में आते हैं, ये बड़ी विचित्र है स्थिति। उदय के अनुसार परिस्थितियाँ बदलती रहती है। अभी थोड़े दिनों पहले उदय ऐसा खराब चल रहा था कि जीवंदर कुमार को बंद कर ली गई यहाँ में सिपाही। थोड़े दिन पहले की तो बात है, सिपाहियों ने पकड़ लिया, घेर लिया, पिता ने भी पकड़वा दिया और राजा के सामने पहुंच गए। और उदय इतना खराब आने की संभावना दिखी कि मृत्यु दंड दे दिया जाए। अब क्या करें, एकदम परिस्थिति फिर बदल गई। और यक्ष जो था, सुदर्शन नाम था ना उसका, वो सुदर्शन नामक यक्ष जो कुत्ते का जीव था, जो जीवंदर कुमार के संबोधन से देव बना था, उसने आकर रक्षा की और अपने क्षेत्र में ले गया। कहाँ पर? चंद्रोदय पर्वत पर। वहाँ जा करके घुमाया फिराया और अभिषेक किया धूमधाम से, बहुत उत्सव से। और फिर उसके बाद वहाँ से जीवंदर कुमार ने यात्रा की भावना व्यक्त की। माने ये भी कैसी जबरदस्त बात है, जैसे हम लोग नहीं ऐसा करते हैं, किसी अनजान जगह पर कभी कहीं पहुँचे तो सबसे पहले तो वहाँ जाके पूछते हैं कि यहाँ दिगंबर जैन मंदिर है क्या, ऐसा होता है? यहाँ मंदिर कहाँ है, यहाँ मंदिर कितना दूरी पर है? इसी तरह से मानो जीवंदर कुमार ने भी वहाँ ये पूछा हो कि भाई घूमने फिरने की जगह कौन सी है, ये नहीं पहले से ये बताओ मंदिर कहाँ है। फिर मंदिरों के दर्शन की भावना व्यक्त कर वहाँ सारे दर्शन कराए और अकृत्रिम चैत्यालयों की उन्होंने वंदना की। अब देखो उसके आगे यात्रा की अनुमति, यहीं से बढ़ना है ना आगे। आप देखो सर 30 नंबर का श्लोक है 5वें अध्याय का और 258 नंबर का यह पेज है 258। मनीषितम हितान्वेषी ज्ञात्वा तस्य मनीषिष्य अनुमेने स देवोपि त्रिकालज्ञानी। हित के चाहने वाले उस देव ने भी बुद्धिमान उन जीवंदर कुमार की इच्छा को जानकर अनुमति दी।
निश्चय से देव द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा सहित तीनों काल के पदार्थों को जानने वाले होते हैं। ये पढ़ ली थी क्या ये बात? नहीं। उल्टी से किया होगा। देखो, शुभ चिंतक यक्षेंद्र ने जीवंधर कुमार के अभिप्राय और भवितव्य को जानकर यात्रा के लिए अनुमति प्रदान कर दी, क्योंकि देवगति के देव भूत भविष्य संबंधी हजारों घटनाओं को अवधि ज्ञान द्वारा जानते हैं। माने अवधि ज्ञान का ऐसा स्वरूप है, भूतकाल भी स्पष्ट दिखने लगता है, भविष्य भी स्पष्ट दिखने लगता है। द्रव्य क्षेत्र काल भावों की मर्यादा सहित वे वर्तमान में अनुपस्थित पदार्थों को भी, वर्तमान क्षेत्र में अनुपलब्ध वस्तु को भी दिव्य ज्ञान के माध्यम से जान सकते हैं, देख सकते हैं। इनको देवों को भव प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान होता है। भव प्रत्यय, भव के निमित्त से जिन्हें ज्ञान हो, ऐसा नारकियों को भी देव नारका नाम उत्पाद है, भव प्रत्यय अधिक देव नारका नाम। देखिए विशेष अर्थ, यक्षेंद्र ने जीवंधर कुमार के भविष्य को जानकर ही यात्रा की अनुमति प्रदान की है। यह सच है कि सज्जन पुरुष किसी को हठ पूर्वक कुछ करने के लिए बाध्य नहीं करते हैं। जीवन में सहजता ही सुखदायक होती है, अथवा सहज जीवन ही सुखमय होता है। हठ या आग्रही भाव तीव्र कषाय का परिणाम है। बड़ी गजब की बात कह दी। सज्जनों का जीवन कैसा होता है, ज्ञानियों का जीवन किस तरह का होता है? हटाग्रह नहीं होता है, बहुत सरलता होती है। हाँ तो हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा है तो ऐसा ठीक है, कोई बात नहीं। माने बलपूर्वक जबरदस्ती नहीं। और देखो कैसे अनुमति मांग रहे हैं, जैसा कि अभी बीच में बोला ना इन्होंने कि वो होता कौन है अनुमति देने वाला, ऐसी बात नहीं है भाई साहब। सज्जन व्यक्ति यदि किसी के घर में गए हैं तो ऐसे नहीं उठ करके चल देंगे, ऐसे कहेंगे कि अब हमें चलने, हम जाएं साहब, और इजाजत ये सज्जनता है। ऐसा नहीं कि तुम होते कौन हो हमें रोकने वाले, और सामने वाला यदि रोकता है तो रुक भी जाते हैं 10 मिनट 15 मिनट और बैठो, चलो अब ठीक है, कोई बात नहीं। कि नहीं नहीं आप तो चाय पी के ही जाना, अब बन गई चाय, अब 15 मिनट तो बैठना ही पड़ेगा आपको, ठीक है कोई बात नहीं, बैठो। अनुमति नहीं लेता है ये, ऐसे कहते हैं तुम होते कौन हो हमें रोकने वाले। बहुत सोच समझ करके भाषा का प्रयोग होता है, बहुत सरलता होती है ज्ञानियों के जीवन में। तीव्र कषाय नहीं है, हठाग्रह का परिणाम नहीं है, हठ माने जिद्दीपना नहीं है। किस बात की जिद्दी, दोनों ही ज्ञानी है, दोनों ही समझदार है। उधर यक्ष भी समझदार है तो जीवंधर कुमार भी समझदार है, दोनों ही सज्जन दिखाई दे रहे हैं। सज्जन पुरुष कभी तीव्र कषायी नहीं होते। अब ये तीव्र कषाय का भी बड़ा चक्कर है, तीव्र कषायी नहीं होते, यह कहते ही सामने ऐसा लगने लगता है कि ज्यादा गुस्सा नहीं करते, ये लगता है ना हमारे। जो व्यक्ति थोड़ा सा ज्यादा गुस्सा करता हुआ दिखाई देवे वो हमें तीव्र कषायी दिखता है। हमें बताओ, बहुत कषाय करने वाले का नाम तीव्र कषायी है ना? तीव्र कषाय किसे कहेंगे, बहुत कषाय करता हो। कषाय तो चार है भाई साहब, अकेला क्रोध ही कषाय है क्या? क्या मान कषाय नहीं? क्या मायाचार कषाय नहीं है? क्या लोभ कषाय नहीं है? चारों है ना। तो कोई व्यक्ति यदि बहुत क्रोध नहीं करता हो लेकिन लोभ ही बहुत हो तो वो भी तीव्र कषाय हो सकता है ना? लेकिन आपको तो वो तीव्र कषाय दिखते नहीं। कोई व्यक्ति इसमें गुस्सा तो नहीं हो ज्यादा तीव्र लेकिन मायाचारी के भाव बहुत है तो वो तीव्र कषाय है या नहीं है? कोई व्यक्ति को गुस्सा नहीं हो और घमंड बहुत हो, अभिमान हो,
वो आपको तीव्र कषाय नहीं दिखते, थोड़ा सा एकदम गुस्सा आ जाए ना तेज, और बहुत तीव्र कषाय है, बाकी तीव्र कषाय जैसे दिखते ही नहीं। अच्छा सुनो, दस लक्षण धर्म पे प्रवचन करते हुए इस तरह की बातें कही जाती है, बतलाया जाता है, सुनी होगी आपने शायद कदाचित कभी। ये जीव जब इसके मान कषाय का उदय तीव्र होता है, तो ये मान कषाय गुस्से को पी जाती है, ये कषाय एक दूसरे को काटती है, मान के कारण लोभ को दबा जाता है, लोभ के कारण गुस्से को पी जाता है, साफ समझ रहे हैं ये कैसा इन कषायों का स्वरूप है। जैसे समझिए दुकान पर कोई ग्राहक खड़ा है, डीलिंग चल रही है, बातचीत होती रहती है, कपड़े की यदि आपकी दुकान है और ग्राहक ने आकर के खूब फैला दिया और पसंद नहीं किया, और यदि वो बिना कुछ खरीदे जा रहा है तो गुस्सा तो कितना आता है, मनी मन मनी मन आता है, ऊपर ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन प्रदर्शित कितना करता है, कुछ नहीं कुछ रोटी खाऊंगा, नहीं नहीं कोई बात नहीं, आपको नहीं नहीं लेना, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक दो घंटे बिगाड़ दिए आपके और कुछ खरीद के नहीं ले गया है, गुस्सा भले अंदर में आ रहा हो लेकिन गुस्से का प्रदर्शन नहीं होता है, किस वजह से, कि कोई बात नहीं हो सकता है फिर आएगा, माने वो लोभ अंदर में बैठा है, वो लोभ ने गुस्से को दबा दिया, गुस्सा नहीं करने दिया, तो तीव्र कषाय है या नहीं है, दिखता तो नहीं, बात करने में तो मुस्कुराता हुआ दिखाई दे रहा है, मुस्कुरा करके विदा करता है, ठीक है क्यों। अच्छा देखो, अब ये जो लोभ बैठा था ना अंदर में, इस लोभ ने गुस्से को दबा दिया, अब सुनना, लोभी व्यक्ति अपने लोभ के परिणाम स्वरूप धन को पैसे को खर्च नहीं करता, और जोड़ जोड़ कर इकट्ठा किए जाता है, फिर क्या होता है, कभी किसी समय एकदम मान कषाय उदय में आती है तीव्र अभिमान, तो जितना पैसा जोड़ जोड़ के जमाया था लोभ से, वो सारे पैसे को पानी की तरह बहाता है, मुझ का सवाल है, शादी विवाह के अवसरों पर है विचार नहीं करता, फिर अच्छे से अच्छा नाम होना चाहिए, दुनिया देखे कैसी शादी की है हमने भी, ऐसा ये वही पैसा है जो तूने, अभी अभिमान, अभी ये जो अभिमान कषाय है अंदर में, जगत के जीवों को दिख नहीं रही है, पता नहीं लगता है औरों को, तो कौन कहेगा उनको तीव्र कषाय हुई, नहीं लगता ही नहीं है हमारे को। हमारा कहने का मतलब यह है कि क्या क्रोधी व्यक्ति ही तीव्र कषायी है, बाकी कषाये भी तो कषाये हैं, उनका ये जीव विचार ही नहीं करता। यहाँ कह रहे हैं ज्ञानी तीव्र कषायी नहीं होते, क्योंकि उनके क्रोध के साथ साथ और कषाये भी मंद होती है, गुस्सा तो मंद है ही, और गुस्से की मंदता का भी हेतु बताते हैं हम आपको, क्रोध की मंदता का अर्थ यह नहीं है कि गुस्सा ही नहीं करते, अभी गृहस्थ है, अभी चौथे गुण स्थानवर्ती होगा ज्यादा से ज्यादा, है ना, बहुत अभ्यासी है और गुस्सा कम नहीं दिखता है, कि सुनो भाई गुस्सा कितना करते हैं, कितना तेजी से करते हैं, इससे तीव्र कषाय का संबंध नहीं है, वो गुस्सा चला कितनी देर रहता है अंदर में, इससे तीव्र कषाय का संबंध है। क्या कहा, कितनी देर तक अंदर परिणाम रहते हैं, उस गुस्से की जो डेंसिटी है, उस गुस्से का जो टाइम पीरियड है, स्थिति, कितने लंबे टाइम तक वो गुस्सा खींचा हुआ है, वो तीव्र है, बाहर में प्रतिकार नहीं दिख रहा हो लेकिन अंदर में वो चीज बैठी हुई हो, वो गुस्से की तीव्रता है, गुस्सा कर गुस्सा ऐसा थोड़ी नहीं है आंखें लाल हो रही है, एकदम चिल्लाता रहेगा, बड़बड़ाता रहेगा, ये स्थिति तो बहुत कम होती है भाई साहब, लेकिन अंदर में वो गुस्सा ऐसा रहता है, नहीं नहीं ये तो नहीं चलेगी,
इसका मतलब ये है उनके प्रति वो तीव्र क्रोध मान करके बैठा। ये नहीं पहुंचने चाहिए, ये पहुंच जाए तो हमारे को बर्दाश्त नहीं होगी बात। ये क्या है, ये तीव्र कषाय है। एक बार गुस्से में आकर के कह दिया ये नहीं होने चाहिए, अब वो गुस्सा है कि नहीं? अरे गुस्सा तो उनको वो बर्दाश्त नहीं है। मन ही मन ये बात निरंतर चलती रहती, ये उपस्थित नहीं होने चाहिए, हमें ये पसंद नहीं है। ये तीव्र कषाय है, धारा प्रवाह रूप से चल रही है। वो गुस्सा आ गया एकदम तेज, और तत्व ज्ञान के अवलंबन से वो तेज गुस्सा 10-5 मिनट में ही शांत हो गया, तो वो तीव्र कषाय नहीं कहते उसे। आपका क्रोध, आपका अभिमान, आपका लोभ लालच आदि ये कितनी जल्दी खत्म हो जाता है, इससे निर्णय होता है कि आप मंद कषायी हैं, और कितनी लंबे समय तक चलता है इससे निर्णय होगा कि अति तीव्र कषायी है। चले नहीं ज़्यादा, ज्ञानियों के जीवन में क्रोधादि कषाय लंबे समय तक चलती नहीं है, टिकी नहीं रहती है, बनी नहीं रहती है। देखिए सज्जन पुरुष कभी तीव्र कषाय नहीं होते, अतएव यक्षेंद्र सुदर्शन ने अपने निवास पर ही जीवंधर कुमार को रखने की भावना छोड़कर उन्हें यात्रा के लिए अनुमति प्रदान कर दी। ऐसा होता है, बहुत सज्जन व्यक्ति, विशेष व्यक्ति कोई अपने घर में आए तो अपन अपने आप को धन्य महसूस करते हैं, और ऐसा तक भाव व्यक्त कर देते हैं कि मन तो ऐसा है कि आप कभी जाओ ही नहीं। कितने घरों में, हम तो हिंदुस्तान के सैकड़ों हजारों घरों में रुके हैं, घर घर में जा जा करके लोगों की ऐसी भावना हो जाती, आप जाओ ही नहीं और रुक जाओ, जा रहे हो तो ऐसा लगता है जी उसको यक्ष को कैसा लग रहा है। हमारे यहाँ जीवंधर कुमार जैसे महापुरुष आए, कामदेव हैं, मोक्षगामी हैं, इसी भाव से मोक्ष जाने वाले हैं, थोड़े समय में स्वर्ग के देव आकर इनके मोक्ष का उत्सव मनाएंगे, और ये हमारे घर में आ गए, हमारा तो घर पवित्र हो गया, हम कितने भाग्यशाली हैं। अब ये जाने की भावना व्यक्त कर रहे हैं, थोड़ा और रुक जाओ ना। आपके रहने से हमारे को तत्व ज्ञान का लाभ मिल रहा है, आपके रहने से, आपके सानिध्य और समागम से, वो जीवंधर कुमार के समागम से वो यक्ष, और वहां का पूरा अकेला यक्ष थोड़ी ना है, उसका परिवार है पूरा, उसका पूरा का पूरा समुदाय है, और अनगिनती देव है। अकेले ने थोड़ी ना अभिषेक कर लिया, धूमधाम से वहां घंटानाद किया गया, वहां अभिषेक किया गया, उत्सव मनाया गया, जय जयकार की गई, अनगिनती देव है। तो जितने समय तक जीवंधर कुमार रहेंगे तत्व चर्चा का लाभ मिलेगा, जाओ ही मत। लेकिन फिर भी क्या करें, अपना मोह, अपनी भावना को छोड़कर उन्हें यात्रा के लिए अनुमति प्रदान कर दी। ऐसा हो जाता है, कर देते हैं आप भी, जब किसी की ट्रेन हो तो आप ही कभी कभी ये कह देते हैं घर से, आपके परिवार के चार लोग रोकने, बच्चे रोकने की कोशिश, कभी कभी बच्चे ऐसे होते हैं ना, दूसरे बच्चों को देखकर नहीं ये तो नहीं जाएगा, चार दिन से यहाँ रह रहे थे और रुकेगा यहाँ, घरों में ऐसी स्थिति बनती है ना। तो कभी क्या हो, फिर किसी की ट्रेन हो तो आप भी, नहीं बेटा अभी जाने दो, अब लेट हो गया, अब नहीं, अब ट्रेन छूट जाएगी, आप जाने के लिए अनुमति प्रदान, खुद ही आगे होकर के भी कह देते हैं कि नहीं नहीं अब हम रुकेंगे नहीं, आप समय बहुत हो गया है, अब हम भी आपको रुकने के लिए नहीं कहेंगे। तो यक्ष ने भी यहाँ क्या कह दिया, हम भी अब आपको रुकने के लिए नहीं कहेंगे, अपनी भावनाओं को छोड़कर यात्रा के लिए अनुमति प्रदान की। अब जीवंधर कुमार ने यहाँ से प्रस्थान किया। देखो इदंतया पथो दंत मुपादिश्यात सम्मत सुदर्शनेन सोयासीत कृत्वा मित्रता। इसके अनंतर इस प्रकार जाने के मार्ग के वृत्तांत को प्राप्त कर सुदर्शन यक्त की अनुमति सहज वे जीवंधर कुमार वहां से चले गए। निश्चय से हित करना ही मित्रता कहलाती है। लो मित्रता की परिभाषा, कौन मित्र है, भला करने वाला ही मित्र है।
माने जो हमारा भला कर रहे हैं वही मित्र है। इसलिए आपके सच्चे मित्र या हमारे वास्तविक मित्र तो पंच परमेश्वर ही हो सकते हैं, जो मोक्ष मार्ग में लगावे वो सच्चे मित्र। क्योंकि हित हित की व्याख्या करो तो कैसी व्याख्या निकली, जो हमें हित में लगावे, क्या व्याख्या की यहाँ, हित करना ही मित्रता कहलाती है। कैसे हित किया आपको, पैसा दे करके, कैसे हित किया आपको दवाई देकर, कैसे हित किया सेवा करके, हॉस्पिटल में ले जाकर इलाज कराकर, सावधानी से आपकी सेवा शुश्रूषा करके, नहीं भाई सबसे बड़ा हित तो ये है धर्म मार्ग में लगे रहे, लगाते रहे, वो सच्चा हित है। यहाँ कह रहे हैं यक्षेंद्र ने जीवंधर कुमार को यात्रा का मार्ग भली प्रकार समझा दिया, वो यही मार्ग भी बता दिया आपको किस तरह से जाना है, किस रास्ते से जाना है। तदुपरांत जीवंधर कुमार ने यक्षेंद्र से अनुमति लेकर चंद्रोदय पर्वत के से यात्रा के लिए प्रस्थान किया। मित्र के प्रति हित बुद्धि ही मित्रता है। देखो आगे कथा, यक्ष सुदर्शन और जीवंधर कुमार परस्पर घनिष्ठ मित्र बन गए थे। कौन मित्र बन गया भाई साहब, यक्ष। थोड़े दिनों पहले क्या था ये यक्ष, कुत्ता था ये, और अभी आपसे ये कहा जाए कि जो कुत्ता है ना ये तुम्हारा दोस्त है क्या, या दोस्त हो जाएगा तो कितना बुरा लगता है क्या, कोई बंदर ही तुम्हारी तरफ आते हुए दिखाई देवे ना, मजाक ले दे, दोस्त है इनका क्या, बंदरों से दोस्ती है इनकी, कुत्तों से, पशुओं से, जानवरों से। अरे भाई जिन्हें आप जिस रूप में देख रहे हैं आपको पता नहीं है थोड़े समय बाद में ही वो किस रूप में उसका संबंध आपके साथ में होगा। अभी जीवन पूरा हो गया, नया जन्म धारण कर लिया, नया जन्म धारण कर लिया, अब किस रूप में आ गया, देव बन गया। वो जो मरुभूति का जीव था वो मर करके हाथी बन गया, और हाथी बन करके वो राजा अरविंद जो थे, वो जो मुनि बन गए थे, तो उनके साथ में उनका समागम हुआ वहाँ। किस रूप में मिले वो वहाँ, हाथी बन करके। अरे कैसी कैसी, कौन व्यक्ति कब किस पर्याय में चला जाए है, और फिर वहाँ से वापस लौट करके आ जाए। अभी ऋषभ देव के जीवन में पूर्व भाव में वो आहार दान देते हुए चार पशुओं ने देखा था, देखे होंगे आपने चित्र कई स्थानों पर लगे हुए, शेर, सुअर, नेवला और बंदर, आहार दान की अनुमोदना की, और फिर उस आहार दान की अनुमोदना के फल में पता है क्या हुआ है, अरे ये सबके सब ऋषभदेव स्वामी के ऐसे पात्र जीव बने, उनके परिवार के सदस्यों के रूप में, गणधरों के रूप में, कैसे कैसे घटनाएं बन जाती है, कहां से कहां पहुंच गए। ये कह रहे हैं यहाँ हित किसे कहें, जो हितकारी हो सो मित्र है, और वो मित्र कोई भी हो सकता है। यक्ष सुदर्शन और जीवंधर कुमार परस्पर घनिष्ठ मित्र बन गए थे। मित्र का कर्तव्य सदैव अपने मित्र का हित सोचना और संकट के समय सहायता करना है। जीवंधर कुमार को यात्रा का विचार आते ही यक्षेंद्र ने उन्हें यात्रा का मार्ग भली प्रकार समझा दिया, ताकि मार्ग में किसी प्रकार का कष्ट ना हो। मित्र का मार्गदर्शन सदैव हितकारी ही होता है। आप वहाँ जा रहे हो, ट्रेन वहाँ रुकेगी, फिर वहाँ से आपको वहाँ इतनी दूरी पर जाकर के वो बस से बैठना पड़ेगा, फिर इस रास्ते से आपको ऐसे ऐसे जाना है। रास्ते में आपके भोजन की व्यवस्था, आप जिनके यहाँ रुके हैं और आप प्रस्थान कर रहे हैं तो आपके लिए नाश्ता, आपके लिए भोजन, व्यवस्था कर, मेहमान आपके यहाँ आए थे सारी व्यवस्था करते हैं ना, आपके मार्ग की सारी व्यवस्था कर दी यहाँ सुदर्शन ने। और फिर जीवंधर कुमार ने अकेले ही यात्रा का प्रारंभ किया, अकेले। एकाकी व्याहरत स्वामी निर्भयो वितस्सत नहि स्वरीय भुक्तानां केसरी नामी। इन जीवंधर कुमार ने भय रहित इधर उधर
अकेले विहार किया। डर नहीं है कोई भी, अकेले जा रहे जंगलों में पहाड़ों पर, क्या कहाँ है वो तो चंद्रोदय पर्वत से निकले हैं वहां से। अभी कहे आपसे अकेले चले जाओ, अकेले घबराहट होती है। शिखर जी पहाड़ की वंदना के लिए भी अकेले जाए ना, मतलब तो कोई ना कोई तो दो जने, अकेला छूट जाए तो भी घबराहट होती है, जबकि इतने यात्री हैं, क्या अपना नहीं है कोई भी। देखो निश्चय से अपने पराक्रम से सहित पुरुषों को सिंहों की तरह भय नहीं होता, पराक्रमी है उन्हें किस बात का भय है। जीवंदर कुमार अकेले ही सर्वत्र निर्भय होकर भ्रमण करने लगे, क्योंकि पराक्रमी सिंह के समान अपने पराक्रम से ही रक्षित पुरुषों को किसी का भय नहीं रहता है। निर्बल व्यक्ति को ही दूसरे की सहायता की आवश्यकता होती है और वे ही दूसरों का साथ चाहते हैं। जीवंदर कुमार को स्वयं ही सिंह के समान पराक्रमी और समर्थ हैं, अतः वे निर्भय होकर अपने इच्छित स्थानों की यात्रा करने की यात्रा अकेले ही सहजता से करने लगे। जहाँ जहाँ उनको जाना था वहाँ की यात्रा वे अपने आप ही करने लगे। ज्ञानी अज्ञानी की मनोदशा देखो, एकाकिनो पिनो द्वेगो मशीनस्तस्य जातुचित विक्रियाहि विमूढानां संपदा पल्लवादपि। अकेले जितेंद्रिय उन जीवंदर कुमार को कभी भी उद्वेग नहीं हुआ। अकेले थे, जितेंद्रिय थे, इंद्रियों को जीतने वाले थे, कभी उद्वेग नहीं हुआ। निश्चय से अज्ञानी मूर्ख पुरुषों के ही संपत्ति विपत्ति के लेश मात्र से चित्त में विकार उत्पन्न हो जाता है। संपत्ति हो चाहे विपत्ति हो, अज्ञानी जीवों के चित्त में तो विकार उत्पन्न हो जाता है। विपत्ति के आने पर भय हो, शोक हो, और संपत्ति के मिल जाने पर हर्ष हो, हर्ष हो, गुमान घमंड हो, दोनों ही विकृतियां हैं, लेकिन ज्ञानियों के किसी भी तरह का विषाद नहीं होता। उद्वेग मतलब विकार है? हाँ, उद्वेग तो अच्छा नहीं माना जाता है ना, ये उद्वेग आपके वो भी तो है, इसमें चौगड़िया में भी जाता है उद्वेग है ना, उसमें उद्वेग ही शब्द है, तो अच्छा माना जाता है क्या उसे? जगत में अच्छा नहीं माना जाता उद्वेग, मानसिक काल और क्या है, अशुभ, अशुभ भी है क्या, पता नहीं, चल ये चौगड़ी अच्छे नहीं माने जाते, चौगड़ी या मूर्ति की बात कर रहा हूँ। जगत में जो लोग देखते हैं पंचांग, पंचांग में जो चौगड़िया है, चौगड़िया मूर्त की चौगड़िया देखना जानते हो बहुत अच्छे से। मैंने तो बहुत सालों पहले यहाँ सिखाया भी था कैसे देखा जाता है, किसको याद है बताया, ध्यान नहीं है किसी को बात, लेकिन बहुत कोई 15 साल से भी ज्यादा पुरानी बात होगी। नहीं, 1.5 घंटे की तो वो आप सही मुहूर्त नहीं निकाल पा रहे हो, फिर वो तो सूर्योदय से लगे क्या, वो सूर्योदय से सूर्यास्त तक का टाइम देखो, और सूर्योदय से सूर्यास्त तक के टाइम में जितने घंटे जितने मिनट हैं उसके उसमें 8 का भाग दो, तो जितना टाइम निकलेगा तो उतने टाइम का एक चौगड़िया माना जाएगा। ये दिन के हिसाब से बदलेगा, मौसम के हिसाब से, समय के हिसाब से, क्योंकि प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त का टाइम अलग अलग है क्या, और जितना समय निकला उसमें 8 का भाग दे करके एक चौगड़िया हुआ, फिर वो दिन के हिसाब से वो सेट है, रविवार सोमवार मंगलवार आदि के हिसाब से, फिर उस दिन जिस दिन का देखना है उस दिन यदि मंगलवार है तो वो मंगलवार के दिन का पहला चौगड़िया वहाँ लिखा है, तो सूर्योदय के समय में वो जो आए थे ना मिनट, उसको सूर्योदय के समय में जोड़ो क्या, तो वो उतने समय तक तो वो पहला चौगड़िया,
फिर दूसरा उसके बाद तत्काल एक मिनट बाद से वो नेक्स्ट टाइम वो दूसरे का होगा। ये तो प्रतिमा आदि विराजमान करते हैं ना जैसे वेदी प्रतिष्ठा वगैरह में, तो वो मुहूर्त चौघड़िए के हिसाब से देखकर वो प्रतिमा आदि विराजमान की जाती है। देखो खैर कोई बात नहीं, ये उलझने जैसी चीज़ें नहीं है सच में, तो दिमाग मत लगाओ बात बात में आप चौघड़िया देखने लगो। हाँ सब घड़ी बिगड़ जाएगी, सारी घड़ियाँ अच्छी है जिस समय काम अच्छा हो वो मुहूर्त अच्छा है। ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष मुहूर्त देख देख करके काम नहीं करते, वे काम ही ऐसा करते हैं कि वो काम जब संपन्न हो तो वो घड़ी वो तिथि वो समय वो टाइम जगत जनों के लिए अच्छा मुहूर्त बन जाए। क्या मैं आपसे पूछता हूँ, ऋषभ देव स्वामी ने अक्षय तृतीया के दिन आहार लिया, वैशाख कौन सी तिथि थी? वैशाख शुक्ल तृतीया। इस एक मुहूर्त देख करके आहार लिया था क्या ऋषभ देव ने? मुहूर्त देख करके थोड़ी ना लिया था, लेकिन वो तिथि वो मुहूर्त बन गई जगत जनों के लिए, अभूत सावा हो गया। आखा तीज अक्षय तृतीया का दिन इक्षुरस का आहार हुआ, काम अच्छा हुआ तो वो दिन अच्छा हो गया, दिन देख करके आहार नहीं लिया। मैं आपसे पूछता हूँ, महावीर स्वामी ने चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन जन्म लिया तो सोच समझ के लिया था क्या? नहीं, आज ही जन्म लेना है। जिस दिन जन्म हुआ वो मुहूर्त हो गया, महावीर जयंती हो रहे साहब, अच्छा अच्छा दिन है, अच्छा मुहूर्त है, कैसे हो गया? और तो और उन्होंने जिस दिन निर्वाण प्राप्त किया वो अमावस्या अमावस्या का दिन भी मुहूर्त बन गया, अच्छा दिन हो गया। सारे जगत में अमावस्या का दिन अच्छा नहीं माना जाता क्या किसी भी काम के लिए? कहने का अभिप्राय यही है कि जिस दिन काम अच्छा हो, क्या हुआ, जिस दिन काम अच्छा हो वो दिन अच्छा हो गया। जिस दिन सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो वास्तव में तो वो दिन हमारे लिए अच्छा दिन है, वो घड़ी अच्छी है, वो समय अच्छा है। अच्छा ये बात बतलाइए, आपको सुबह से आज जिनेंद्र भगवान के दर्शन नहीं हुए, मंदिर तलाश रहे किसी ऐसी जगह पे पहुंच गए, जंगल में गाड़ी अटक गई, दर्शन नहीं हुए, पूरा दिन निकल गया, अब शाम को 6 बजे जाके दर्शन हुए, तो हम ये कह रहे हैं कि वो 6 बजे का टाइम ही मुहूर्त है आपके लिए, तो अच्छा समय है, अच्छा काल है। जिस समय जिनेंद्र देव के दर्शन हो जाए, जिस समय मुनिराजों के दर्शन हो जाए और जिस क्षण आत्म दर्शन हो जाए, इससे बढ़कर मुहूर्त और क्या होगा? क्या अच्छा समय कब समझना? कि जब आपके परिणाम तत्व ज्ञान सुनने के लिए रुचिवंत हो उत्साहित हो तो समझना जीवन में अच्छा काल आने का समय आ गया है। और आपका मन और आपका उपयोग इस तत्व ज्ञान से दूर भाग रहा हो तो समझ लेना समय खराब चल रहा है। भगवान के दर्शन नसीब ना हो सके ऐसी जगह पर पहुंच जाए तो समझ लेना समय खोटा आ गया है। क्या फिर चाहे पेरिस चले जाओ चाहे स्विट्जरलैंड चले जाओ, क्या क्या भैया भगवान के दर्शन नहीं मिल रहे हैं ना तुम्हारे को, तो इसका मतलब ये कि ये समय अच्छा नहीं चल रहा है। इससे खराब क्या समय बीतेगा आपको बोलो, और इससे अच्छा क्या समय और अवसर होगा जब भगवान का समागम सानिध्य मिल रहा है? तो ये जो मुहूर्त है ये देखना ज्यादा समझदारी का काम नहीं है। हाँ ठीक है, जब भगवान विराजमान आदि के ऐसे जब प्रसंग होते हैं, जिन मंदिर निर्माण आदि के ऐसे जो प्रसंग बनते हैं उसमें भी समय अवसर देख करके वो बुद्धिपूर्वक भगवान विराजमान करना, जिन मंदिर निर्माण की शुरुआत करना, नींव लगाना, वेदी शिलान्यास करना, वेदी प्रतिष्ठा करना, भगवान उसमें आकर के विराजमान होंगे, वहाँ वो जो समय है
ये सब समय पंचकल्याणकों के समय, उनमें भी कौन से समय क्या होगा, ये सारी बातें विचार की जाती है। लेकिन लौकिक खोटे कार्यों में आप मुहूर्त देखने लगो, आप ये सोचो कि अच्छा दिन बताओ कि दुकान चले, बोले तुम्हें दुकान चलाने और बिजनेस बढ़ाने का जो निर्णय लिया है यही अपने आप में अशुभ है। अब इसमें क्या करेगा ये बता मेरे को, बड़ा बड़ा करके कि कितनी संपत्ति और कितना परिग्रह बढ़ाया जाए कि इसके जीवन में सुख शांति हो जाए। ये नहीं नहीं साहब, किस्मत अच्छी थी, किस्मत अच्छी थी, किस्मत अच्छी नहीं थी, किस्मत खोटी थी क्या? माने तेरे चित्त में ये बिजनेस बिजनेस दुकानदारी में उलझा रहे, फंसा रहे, और तुझे ये अपने आप को समझने का विकल्प भी न आवे, तो इससे ज्यादा बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। जहां अपने आप के बारे में विचार नहीं आ रहा है, मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, मैं स्वयं परमात्मा कैसे बन सकता हूं, ये विकल्प। और देखो जीवन में कई बार ऐसे प्रसंग बनते हैं जब आपको ऐसा विचार करने का अवसर मिले, और जिनवाणी तो हमारे को बुद्धिपूर्वक ऐसा विचार करने के लिए प्रेरित करती है। कुछ समय पहले हमने आप लोगों के बीच में एक दिनचर्या वाला पाठ पढ़ा था, बालबोध भाग एक में, है ना, मार्च 2017 की बात है, मार्च 17 की है ना। तो क्या चर्चा थी उसमें, कहाँ से शुरुआत करो, बोलो दिन की, सुबह उठते ही पहले क्या काम करना, नवकार मंत्र है ना, वापस सुनना वो प्रवचन, वापस बालबोध पढ़ाई जाए, नौ बार नमोकार मंत्र बस। अरे नौ बार नमोकार मंत्र के साथ में कुछ देर आत्मा परमात्मा का चिंतन करना, ये सबसे पहले उठते ही पहले चिंतन करो, उठते ही पहले विचार करो आत्मा कौन है और परमात्मा कौन है। जिसने उठते ही पहले आत्मा और परमात्मा का चिंतन और विचार कर लिया, अब क्या दिन खराब जाएगा उसका बताओ। नौ बार नमोकार मंत्र भी और विचार भी, दोनों चीजें कुछ देर बैठ करके विचार करो, देखो कोई बात नहीं। फिर क्या हुआ, सबसे पहले तो काम किया अपने आंतरिक शुद्धि का उठते ही पहले, फिर देह से शुद्धि, फिर काम जो भी अपने शारीरिक क्रियाएं कर्म जो भी होने हैं वो सब किए, फिर गए उसके बाद में नहाने धोने के बाद में क्या करना, सबसे पहला काम देवदर्शन। देवदर्शन की विधि बता, फिर उस विधि पूर्वक क्या किया, जब ये विधि पूरी होने लगी, ये दर्शन किए था हमने, दर्शन कर लिए खूब धूमधाम से अच्छे से कर लिए, अरे अभी दर्शन करने मात्र पर दर्शन करने की विधि पूरी नहीं होती, तो क्या करें कि यदि जिन मंदिर में स्वाध्याय चल रहा हो, प्रवचन चल रहा हो, तो बैठ करके प्रवचन सुने, और नहीं चल रहा हो तो कम से कम आधा घंटा बैठकर स्वयं स्वाध्याय करें। बोलो देव दर्शन करने वाले लोग रोजाना क्या देव दर्शन की विधि में इस बात को शामिल समझते हैं? ये दर्शन की विधि में शामिल है ये बात, या तो आप चल रहा हो तो सुनो, और नहीं चल रहा हो तो खुद पढ़ो, तब जाके देव दर्शन होगा। कि नहीं नहीं साहब, हम तो बराबर, हम तो पढ़ते भी हैं और सुनाने वाले होते हैं तो बैठ के सुनते भी हैं, हम तो देव दर्शन जानते हैं बराबर। सुनो भाई, अभी भी पूरा नहीं हुआ, जो स्वाध्याय में पढ़ा हो या जो प्रवचन में सुना हो उसको सुन करके और पढ़ करके ही मत चले जाना, उसके बाद कुछ मिनट कुछ देर बैठकर जो प्रवचन में सुना है या जो शास्त्र में पढ़ा है उसका कुछ देर बैठकर शांति से विचार करना कि ये क्या बात पढ़ी है, ये क्या बात सुनाई गई है।
ये विचार और चिंतन ना चले तो फिर तो क्रिया है, ये तो एक मशीनरी क्रिया जैसा हो जाता है, अपने आप कदम बढ़ जाते हैं, घूम जाते हो, दर्शन हाथ जुड़ जाते हैं, अष्टांग नमस्कार हो जाता है, कायोत्सर्ग हो जाता है, सुन लिए, बैठ लिए, चल दिए। असली काम तो विचार का बाद में किया जाना था, तब जाके पूरी होगी वैसा विधि। इतना ही नहीं, अंत में भी फिर दोबारा, कब अंत में, रात्रि में सोते समय, सोते समय फिर क्या करना, पंच परमेष्टियों का स्मरण, विचार क्या किया, क्या हुआ, क्या क्या अच्छे काम किए जाने चाहिए थे, क्या और अच्छा हो सकता था, क्या गलतियां हो गई, और फिर इससे भिन्न अपने एक तत्व, आत्म तत्व, ये विचार और चिंतन करें। तो कहते हैं अब हमें यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं लग रही कि आप बहुत भाग्यशाली हैं और आपका भाग्योदय हो गया है। भगवान किसको याद आते हैं, मतलब जैसा आप जिनके ऊपर संकट आ जाते हैं और फिर क्या होता है, फिर जब भगवान याद आते हैं तो लोग कहते हैं कि फिर अब हमारा समय अच्छा है, भगवान बचा लिया, ऐसा हो गया। कि सुन, भगवान का नाम स्मरण करने मात्र से सद्भाव के उदय आएगा, ये लक्षण दिखाई देने लगे। भगवान कर देंगे ये सोच पूर्वक नहीं, सहेजी जिनके हृदय में भगवान है, अरे भक्तामर स्तोत्र में तो अंतिम 8 छंदों में कितनी बातें कही है, यही तो सब कही है। सर्प आ जाएगा तो क्या होगा, रक्ते क्षणम समझ को किल कंठ नीलम, हाथी आ जाएगा तो क्या होगा, वो शेर की स्थिति, बद्ध क्रम क्रमगतम हरिणाधिपोपी नहीं है, वो हाथी मदोन्मत्त हाथी की चर्चा, दावानल की बात कह दी, और वो जलोदर रोग की बात कह दी, वहाँ शौच्याम दशाम उपगता च्युत जीविताशा, जीने की आशा छोड़ दी है, ऐसी शोचनीय दशा हो गई है, ये कितनी कितनी बातें कही। और फिर क्या कहा कि पार्श्वनाथ स्वामी बचा लेंगे, नहीं, ऐसी स्थिति में कौन संभालेगा, पार्श्वनाथ भगवान, स्तोत्र तो आदिनाथ भगवान का है कि नहीं नहीं आदिनाथ भगवान संभाल लेंगे, तो उसमें तो लिखा ही नहीं है ऐसा। सब छंदों में देखो, लोग ये समझते हैं कि भक्तावर स्तोत्र के इस छंद को पढ़ने से ऐसा हो जाएगा, इस छंद को पढ़ने से ऐसा हो जाएगा, बहुत बड़ी गलतफहमी में है। भगवान ऐसा कर देंगे, ये ऐसा हो जाएगा, ये देवता आ जाए, कुछ नहीं है, झूठ बात है, ये सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग का चक्कर है और कुछ नहीं है। ये लोगों को इकट्ठा करना, लोगों से पैसा इकट्ठा करना, मार्केटिंग ही तो है, और क्या है, भीड़ इकट्ठी करने के लिए ऐसा जाप होगा, ऐसा कार्यक्रम होगा कि जिसकी जो जो बीमारियां हैं सब ठीक हो जाएंगी, घर के झगड़े और संकट निपट जाएंगे। एक बार करवाओ आप हमारे कहने से, फिर देखना आप, आपकी लाइफ में परिवर्तन, आप क्या कर रहे हो, नहीं ऐसा नहीं, उसमें कहीं नहीं लिखा है ऐसा। बहुत विशुद्ध भावों से मानतुंगाचार्य देव ने भक्तावर स्तोत्र की रचना की है, कहीं भी उसने ये नहीं लिखा कि आदिनाथ भगवान ऐसा कर देंगे, कि प्रभु ऐसा कर देंगे, भगवान उतर करके आ जाएंगे, सब में क्या लिखा, स्वयमेव हो जाता है। सारे छंदों का अर्थ देखो गहराई से, हमने बहुत सालों पहले यहाँ अर्थ किया भी था, रिकॉर्डिंग है सारी, क्या भगवान नहीं करेंगे सहज, अरे जिसके हृदय में भगवान का स्मरण आ गया है, अब उसे सर्प का डर क्या है, मतलब अब हमें डरने का क्या काम है, अब डरने वरने का कोई चक्कर नहीं है हमारे यहाँ, क्योंकि भगवान हमारे साथ में है, साथ में है मतलब उपयोग में है, ज्ञान में है, ध्यान में है, हमारे विचारों में है, हमारे चिंतन में है, तो जिसके चिंतन में भगवान हो अब उसे क्या संकट है, अब नहीं हो सकता कोई भी संकट। इसलिए ये मंत्र तंत्र की चर्चाएं और कौन सी मुहूर्त आदि, ये सब चर्चाएं हैं, ये उलझने वाली चर्चाएं हैं। अच्छा मुहूर्त, अच्छा समय, अच्छा काल, भगवान की भक्ति और स्तुति में बीता हुआ काल और आत्मचिंतन में बीता हुआ काल ही सच में
बहुत अच्छा काल समझना चाहिए। देखिए यहाँ विशेष अर्थ पढ़ के बात पूरी करते हैं। जीवंदर कुमार गुरुवर आर्य नंदी के सर्वोत्तम शिष्य थे। वे श्रेष्ठतम विद्वान और तत्वज्ञानी महापुरुष थे। ऐसे महामानव ज्ञानी के जीवन में हर्ष विषाद उत्पन्न होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। जैसे प्रकाश के पास अंधेरा नहीं रह सकता है, उसी प्रकार निर्भय एवं वीर जीवंदर कुमार के पास आने में भय को भी भय लगता था। क्या भयम भयव ऐसे शब्द का प्रयोग किया है, वहां भय भी भाग जाता है। भक्तावर सूत्र में कहते हैं भय भी भय से भाग जाए। हाँ, भय भयंकर भाग जावे। हाँ, उसमें 24 तीर्थंकरों की स्तुति है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि यहाँ जीवंदर कुमार के पास भी भय आकर के भागने लगा, और ज्ञानियों की निर्भयता का आधार वास्तव में जगत की घटनाएं और परिस्थितियां नहीं होती, अंदर में बैठा हुआ एक ऐसा आत्म तत्व जिस रूप वे अपने आप को अनुभव करते हैं, वे उसका अनुभव करते हुए सदा काल निर्भय बने रहते हैं। ऐसी निर्भयता स्वभाव के अवलंबन से जैसी जीवंदर कुमार के जीवन में है, हमारे जीवन में भी उत्पन्न हो, वृद्धिंगत हो, इसी भावना से बात को विराम देता हूँ।